उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद थाना उत्तर के मोहल्ला बोध आश्रम में प्लास्टिक चूड़ी कारोबारी के घर में घुसे दो बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने महिला के ऊपर चाकू से प्रहार भी किया था। इसके बाद नशीला पदार्थ सुंघाकर महिला को बेहोश कर कमरे में रखी 43 लाख रुपए से अधिक नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना का खुलासा करते हुए SSP आशीष तिवारी ने बताया, विजय कुमार गुप्ता निवासी तिलकनगर थाना उत्तर का प्लास्टिक चूड़ी का कारोबार है। शुक्रवार देर शाम विजय कुमार अपने मकान के पास में स्थित फैक्ट्री में बैठे थे। मकान में उनकी पुत्रवधू स्वाति पत्नी राहुल गुप्ता अकेली थी। इसी बीच दो युवकों ने घर के दरवाजे को खटखटाया, बोला कि वॉशिंग मशीन ठीक करने आए हैं। इस पर स्वाति ने दरवाजा खोल दिया। घर में प्रवेश करते ही दोनों बदमाशों ने स्वाति को चाकू दिखाकर बंधक बना लिया। पीड़ित चूड़ी कारोबारी की पुत्र राहुल गुप्ता के बताया कि दोनों बदमाशों ने स्वाति के मुंह पर क्लोरोफॉर्म डालकर एक कपड़ा रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गई थी। परिजन के अनुसार पीड़ित परिवार ने एक भूमि खरीदने के लिए कुछ दिन पहले आभूषण बेचे थे, जिससे 15 लाख रुपए की रकम मिली थी। बदमाश नकदी लेकर फरार हो गए थे। पीड़ित राहुल गुप्ता के मुताबिक बदमाश करीब 15 लाख रुपए की नकदी व आभूषण सहित 40 लाख रुपए का माल ले गए थे। इस घटना के खुलासे में पुलिस की टीम जांच में जुटी तो कड़ी परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आई। SP ने बताया कि पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि शिकायतकर्ता की पुत्रवधू स्वाति गुप्ता ने मौसी के लड़के वैभव और उसके दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर ये पूरी घटना की योजना तैयार की थी। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना उत्तर और रामगढ़ और SOG और सर्विलांस की टीम जो है उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस वर्कआउट किया है, जिसमें 22 तारीख को ये शाम को घटना बताई गई थी, जिसमें लगभग 43 लाख रुपए जो है वो बताए गए थे कि घर से लूट लिए गए हैं। और उसमें इमीडिएटली टीम्स को बनाया गया था और CCTV जो हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, ऑपरेशन त्रिनेत्र में जो CCTV है और जो हमारे अन्य तकनीकी व मैनुअल साक्ष्य हैं, उसके आधार पर घटना का खुलासा किया गया है। इसमें जो पैसा है वो भी बरामद किया गया। अभी तक 24,04,000 रुपये जो है बरामद हो चुके हैं। 3 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा जो बैग है उसमें जो 3 बिलबुक और 2 चेकबुक है वो भी बरामद हुई है। इसमें जो वादी की जो पत्नी है स्वाति और उसने मौसी के लड़के वैभव और अभिषेक, एक जो तीसरा व्यक्ति था, उसके साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसमें अभियुक्त जो वैभव है वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसने उसके ऊपर एक मुरादाबाद में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें दादी की हत्या कर शव को जला देने के संबंध में वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो वैभव था उसके साथ में जेल में जो 2 अन्य अभियुक्त उसके साथ में रहे हैं, उन्होंने मिलकर ये प्लान बनाया था पूरा कि किस तरह से हम ये जो पैसे हैं उनको पार कर सकते हैं। इसमें जो बंटवारा भी हुआ पैसे का, ये मथुरा वृंदावन में जाके बंटवारा हुआ है। और इसमें जो घटना का विवरण है वो कुछ इस प्रकार का है कि जो ये पत्नी है स्वाति, इनको प्रलोभन देकर जो है जो वैभव है मौसी का लड़का, उसने और उसके भाई अभिषेक ने जो है वो योजना बनाई और उसमें इन्होंने जो है वो पैसा जो है एक और व्यक्ति है राकेश, उसके माध्यम से जो है प्लानिंग करके एक और व्यक्ति जो आया है दिल्ली से उसको लेके यहाँ पर आए थे। फिर CCTV में देखा गया तो ये पता चला कि कोई अन्य व्यक्ति भी आया हुआ है और वैभव भी वहाँ पर घटना के टाइम पर जो है वो CCTV वगैरह में हमने देखा तो मिला हमको। वहीं से इसकी लीड्स मिलनी शुरू हुई हैं। जब लीड्स मिलनी शुरू हुई तो उसमें पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान में जो पैसा है 24,04,000 रुपये वो अभी तक बरामद हुआ है। शेष पैसा भी जो है वो हम बरामद करने में लगे हुए हैं। कुछ अभियुक्त जो है भागे हुए हैं, उन अभियुक्तों की भी लोकेशन हमको मिल रही है, उसमें भी टीमें लगी हुई हैं, उनकी भी जैसे जैसे गिरफ्तारी होती आएगी उसमें हम आपको अपडेट करेंगे। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें वैभव गर्ग, अभिषेक गर्ग और स्वाति गुप्ता 3 लोग हैं। जो वैभव गर्ग है उसके 2 मुकदमे, 302 का और अब ये वाला मुकदमा जो लिखा गया है यहाँ पर। इसके अलावा स्वाति गुप्ता और अभिषेक गर्ग का ये पहला मुकदमा है। गिरफ्तारी जो की है, इस टीम ने अच्छा काम किया है, इसको मेरी तरफ से 25,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाए। सर, घटना के पीछे का मुख्य कारण क्या था? उसमें यही था, पैसा जो है वो रखा हुआ था घर में, जो पैसा जब रखा